जी जी द मूवी वॉज फिनोमिनल. ये एक स्टोरी है लेकिन इसका जो मोटिव है ये कि ऑलवेज लुक फॉर सोल्यूशंस है नो. और गंगूबाई जो थी वो उन्होंने हमेशा सोल्यूशन के पीछे भागे. वो प्रॉब्लम को लेके वो रोती नहीं बैठी, वो सबकी आवाज़ बनी. एंड आई थिंक दैट्स अ गुड लेसन दैट वी ऑल शुड लर्न फ्रॉम दिस मूवी. बहुत अच्छी एक्चुअली फिल्म बहुत अच्छी थी. आलिया भट्ट से एक्सपेक्टेड नहीं था बट काफी कुछ अच्छा किया. मूवी बहुत ही प्यारी थी. एक नंबर मस्त मूवी अच्छी लगी मूवी. एक नंबर लगी मूवी एंड इट्स अ सुपर्ब मूवी. एवरीवन शुड वॉच इट. गंगूबाई काठियावाड़ी मूवी बहुत अच्छी है. बोले तो फायर मूवी है. फायर आलिया इज फायर. हमको तो मूवी बहुत अच्छी लगी. पिक्चर बहुत बढ़िया थी. अच्छी मूवी है. स्टार कास्ट की बात की जाए परफॉर्मेंस वाइज किस तरह से आपको लगा सबकी बात की जाए? कास्टिंग वाइज सब सही था लेकिन मुझे लगता है विजय राज जी का जो रोल था आई थिंक वो अगर कोई ट्रांसजेंडर खुद करती तो वो बहुत ही जस्टिफाइड होता क्योंकि आई फील विजय राज इज एन फिनोमिनल एक्टर इन हिमसेल्फ. ही डिजर्व्स अ लेंथी रोल. अजय देवगन की भी एक्टिंग अच्छी है और जो गुजराती गरबा है वेरी बेस्ट. विजयराज तो आई थिंक नो डाउट उनके लिए तो कुछ बोलना ही नहीं चाहिए. ही इज अ नाइस एक्टर, सुपर्ब एक्टर. बट आलिया भट्ट ने बहुत अच्छा काम किया है और अजय देवगन भी अच्छा लगा मुझे. अनदर लेवल एक्टिंग तो बिल्कुल फाड़. अजय देवगन की भी एक्टिंग मस्त थी. उनका भी अच्छा लगा स्टार्टिंग में जब वो थे तभी अच्छा लगा. अजय देवगन की जगह अगर संजय दत्त होते उस रोल में तो अच्छा लगता बिकॉज गैंगस्टर टाइप के रोल्स में अजय देवगन सूट्स द मोर. एंड अजय देवगन का वो स्टाइल पसंद है एक सिगरेट पीना हमेशा. रहीम लाला का कैरेक्टर निभा रहे अजय सर. अजय देवगन सोने पे सुहागा इस मूवी में. जब जब वो आया जैसे लगता कि सीटी या तालियां मारूं लेकिन मल्टीप्लेक्स है थोड़ा मजबूर था लेकिन उनके हर एंट्री पर आपको मन करेगा कि सीटी तालियां से उनका स्वागत करें. विजयराज का जो रजिया सुल्ताना का कैरेक्टर है उनका भी रोल थोड़ा और ज़्यादा होना चाहिए था लेकिन जहाँ थोड़ा सा ही है लेकिन बहुत अच्छी है. देखिए अजय देवगन का रोल बहुत ही अच्छा है. उन्होंने उस समय का जो करीम लाला का रोल किया वो किया है अच्छा है. विराजराज का उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस इसमें नहीं दिया गया लेकिन फिर भी उन्होंने अपना रोल निभाया. अजय देवगन का रोल थोड़ा छोटा था लेकिन वजनदार था और अजय देवगन भी मल्टी स्टार है तो वो उनका कैरेक्टर में ही इज़ ऑलवेज सक्सेस. कोशिश उसकी रहती है. उनका रोल भी बढ़िया रहता है. विजयराज जी का रोल कुछ हटके था और मेकअप वगैरह कुछ ज़्यादा था तो जल्दी पब्लिक पहचान नहीं पाएगी कि विजयराज जी थे लेकिन उनके भी रोल में उन्होंने न्याय देने की कोशिश की है. फैबुलस. इनिशियल तो लगता था कि कोई और करती तो शायद उतना इम्पैक्ट करता बिकॉज आलिया को हमें एज अ क्यूट गर्ल पर उन्होंने इम्पैक्टफुल बड़ा मज़ेदार दिया. एंड जो उनकी आवाज़ मॉड्यूलेशन थी एंड मेनली उनके जो एक डायलॉग है कि शक्ति समृद्धि और लाइक सभी औरतें हैं तो मर्दों को किस बात का गुरूर. तो दैट वाज एन इंपैक्टफुल डायलॉग. सुपर फाड़ू एक्टर था. बहुत अच्छी लगी एक्चुअली. लगा तो नहीं था कि इतना अच्छा होगा बट काफ़ी अच्छा लगा और फिल्म वाकई अच्छी थी. आलिया भट्ट की एक्टिंग अच्छा तो करती हैं वो पर इसमें बहुत ज़्यादा अच्छा किया. गंगूबाई का जो कैरेक्टर उनको मिला वो बाखूबी से निभाई गई है. उस कैरेक्टर को उन्होंने मतलब साबित कर दिया कि इस रोल को उनसे अच्छा कोई नहीं कर सकता था. मतलब कि जब ट्रेलर आया था तो उनके खिलाफ नेगेटिविटी हो रही थी कि ये जो रोल है सही से नहीं कर पाएगी क्योंकि ट्रेलर में तो दिखता नहीं होता लेकिन अब देखो फुल मूवी 2 घंटा 37 मिनट की आपको समझ में आएगा कि आलिया क्या चीज़ है. बंदी ने साबित कर दिया. आलिया भट्ट की एक्टिंग बहुत बढ़िया थी. आई लव हिज डायरेक्शन इवन हिज म्यूजिक डायरेक्शन. सारी म्यूजिक उन्होंने ही दी है इसमें. संजय लीला भंसाली का जो डायरेक्शन था सुपर्ब था. सेट डिजाइन मतलब टोटल सारी चीज़ें 5 एकदम रियलिस्टिक 100% है. संजय लीला भंसाली की एक्टिंग बहुत ही डायरेक्शन बहुत ही अच्छा है. उन्होंने जो 2-4-5-10 चीज का चित्रण किया है वह हूबहू 1950-60-70 वाला ही हुआ है. सारे सॉन्ग्स अच्छे थे. एक नंबर सॉन्ग अच्छा है. एंड ढोलीडा वन विद द इंग्लिश हिंदी एंड गुजराती वर्जन इज अ गुड वन. सॉन्ग थोड़ा जो था हाँ सॉन्ग मेरे को जो फर्स्ट सेकंड हाफ में जो एक सॉन्ग है लास्ट में जो नवरात्रि के समय में होती है ढोलीडा काफी अच्छी डांस किया आलिया भट्ट ने. सुपर्ब. 4 5 5 स्टार 4 स्टार दूंगा मूवी. आउट ऑफ 5 आई विल गिव 4 मार्क्स.